एक तो मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम, दूसरी बात यह है कि बात ये था कि ये जो दो राय पाई जा रही है कि मूछे ब्लेड के साथ मैंने कि मुंडवाने का है या कुतरवाने का है, असल हदीस में लग क्या है? हाँ, मूछों के बारे में आपका सवाल है कि इन्हें तिरछवाना चाहिए या मुंडवाना चाहिए, यही सवाल है ना? आप शायद शफीक साहब को देख के गए हैं, इस हवाले से आपको ज्यादा सवाल याद आया। जी बस यही बात है, ऐसे ही है ना? चलो कोई बात नहीं। बिलाल साहब, आपने जो पूछा ना कि मूछों के साथ क्या मामला करना चाहिए, ये दोनों तरीके ठीक हैं, सर्व सालहीन से चले आ रहे हैं सात बारह माह से, कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाए जड़ से, ये भी ठीक है, और जो है ना कि सिर्फ किनारा जो है ना लब का ये कटवा दिया जाए ऊपर, बेशक रहे, ज्यादा सही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मिन शारिबी का ये सारी खत्म करने का नहीं कहा, का जो मूंछों में से कुछ भी नहीं कचराता, कुछ भी वो हम में से नहीं, तबीज के लिए। हाँ, तबीज के लिए अल्लामा अल्बानी साहब भी फरमाते हैं यार हक बात यही है कि मूंछे जो है ना ये ऊपर का लब है इसका किनारा ऊपर से नंगा कर दें, काट दें, ऊपर अगर बड़ी भी रहे तो खैर है। मामला अलग है, वो खुद सुन रहा खुद ही जानता, लब जो है ये नंगे करने थी, बिल्कुल नंगे करने। ठीक है मौलाना, मैंने बाज़ उलमा इकराम से सुना है कि वो ये बात कहते हैं कि बिल्कुल मंडवाना जो है ना उस्तरे के साथ या ब्लेड के साथ, इसकी शायद शरी तौर पर इजाजत नहीं है और वो उसको नागवारे खातर समझते हैं और बुरी सी तशबीह देते हैं। ऐसे लोग भी उनमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो तो मदीना में अगर किसी को देख लेते ना उसने मुझे बिल्कुल साफ कराई हूँ तो फिर वो शुरती को बुलाते थे सिपाही को और उसके हवाले करते थे कि इसको कोड़े लगाओ, इसने अपनी शक्ल बिगाड़ दी, ये जनखा बना हुआ खुसरा है, ये क्यों नहीं इसने मर्द वाली बात रखी। और हजरत उमर रजी की बड़ी मूछे थी, वो लंबी थे उनके परे, वो तो गुस्सा में आते थे जब बल देते थे ना उस वक्त सब कांप जाते थे कि तौबा अब खैर नहीं, उमर वो जलाल में आ गए। तो इंसान को मर्द बन के रहना चाहिए, सिरे से खत्म नहीं करना चाहिए। बाकी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके साथी ये भी पसंद करते हैं, बहुत ही बारीक कर दिया जी। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई।